हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टून स्टॉक्स वंस अगेन टुडे तो देखिए इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में और ये स्टॉक क्यों रडार पर आया ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस स्टॉक में नौ दस परसेंट की गिरावट आज देखने को मिली है अभी मार्केट चल रहा है सवा तीन बजे केवल पंद्रह मिनट का सेशन रहेगा और अभी भी ये अपने डे लो लेवल्स के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है थ्री नाइन सिक्स सेवन पॉइंट एट फाइव के डे लो है थ्री नाइन नाइन सेवन यहां पर लास्ट प्राइस दिखा रहा है बहुत मेजर कट आपको देखने को मिला है ऐसा भी नहीं है कि इसके Q4 फॉर रिजल्ट आए हो वहां पर कुछ गड़बड़ देखने को मिली हो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर या ऐसे कोई बॉटम लाइन या टॉप लाइन में डेंट पड़ा हो तो फिर क्या कारण रहा कि इतना बड़ा क्रैक आपको इस स्टॉक में देखने को मिला सबसे पहले आपको वो कारण बता देता हूं देखिए आपने एक चाइनीज मोबाइल का नाम तो सुना होगा इनफैक्ट नाम क्या सुना होगा मोस्ट ऑफ द यूजर्स ने उसको यूज भी किया होगा जिसका नाम है शाओमी यानी कि एम के फोन्स तो एम के फोन वाली जो कंपनी है यानी कि उसकी पेरेंट कंपनी शाओमी जो है उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी एंड शाओमी कंपनी के पांच करोड़ रुपए को सीज कर लिया गया है 5,501 करोड़ रुपीज उनके खातों में पड़े थे उसको सीज कर लिया है ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब ये हुआ क्यों है क्योंकि शाओमी हर साल एक बड़ा अमाउंट विदेशों में भेज रहा था उनका कहना था कि हम लोग रॉयल्टी के नाम पर यह अमाउंट जो है बाहर भेज रहे हैं जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना है कि यह गलत तरीके से भेजा जा रहा था और इसीलिए हमने ये कार्रवाई करी है तो देखिए शाओमी के ऊपर कार्रवाई हुई तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा कट की हुआ है क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी शाओमी के लिए काम करती है शाउमी मोबाइल्स के लिए काम करती है एंड इनकी अगर आपको पता हो तो एलईडी टीवी आते हैं तो एलईडी टीवी की स्क्रीन एक्चुअली डिक्सन टेक्नोलॉजीज ती है अब ये जो इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है आज की तारीख में तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए लेने बाकी हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शाओमी से तो उसका इंपैक्ट आपको यहां पर ये नौ दस परसेंट की गिरावट के साथ देखने को मिला है कि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई बड़ी होती है तो शायद ये 80 से 100 करोड़ रुपए फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है एंड इनके पास में काफी ज्यादा श्योरिटी है कि 80 टू 100 करोड़ रुपीज वापस इनके आएंगे एंड जैसा ये काम कर रहे थे अभी तक डिक्सन शाओमी के साथ में वैसा ही काम ये आगे भी करते रहेंगे अब यहां पर क्या सिचुएशन है डेट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक ने सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री रूपीज का फिफ्टी टू वीक हाई लगा रखा है, 19th को। ये स्प्लिट के बाद की कहानी है आपको पता है पिछले साल एक मेगा स्प्लिट भी हुआ था और 24 अगस्त 2021 का तीन हजार साथ साथ का 52 वीक लो है 41 से लेके 42 परसेंट के आसपास के डिलीवरी परसेंटेज चल रही है तो लोगों ने यहां पर पोजीशंस बनाने की सोची है तभी डिलीवरी क्वांटिटीज इतनी अच्छी आ रही हैं। डिलीवरी क्वांटिटीज ज्यादा हो और चार्ट्स के ऊपर मेजर सपोर्ट ना ब्रेक हुआ हो हु, तो एक पॉजिटिव सिचुएशन भी होती है याद रखिएगा आप देखिए एक चैनल के अंदर एक बहुत लंबे हॉरिजोटल कंसोलिडेशन के अंदर यह स्टॉक काम कर रहा है जिसमें ऊपर की रेंज ये रजिस्टेंस लाइन है और नीचे की जो रेंज है सपोर्ट लाइन

एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा सकता है आप देखिए स्टॉक प्राइस इसी रेंज के अंदर यहां पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था कि सडन यहां पर आज आपको एक गैप डाउन देखने को मिली और ये नौ दस परसेंट की गिरावट आज आपके सामने आई है तो ये बहुत वीक स्ट्रक्चर पैदा हुआ है लेकिन हुआ केवल इसी न्यूज के बेसिस पर है अब हमें ये चेक करना है कि थ्री के लेवल्स ब्रेक हो पाते हैं या नहीं अगर ये ब्रेक हो गए तो इसके अंदर फर्दर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है यानी कि फर्दर अगर हम लोग इसके अंदर नीचे के टारगेट देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थ्री सेवन फाइव फोर के नीचे के टारगेट्स रह है सकते हैं यानी कि नीचे का जो सपोर्ट वन है वो ये रह सकता है और अगर इसको भी सिंक किया देन फिर और बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है जो तकरीबन थर्टी फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज तक की हो सकती है तो यहां तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी निगेटिविटी बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके अगर उसमें ये 3950 का जो सपोर्ट जोन एग्जिस्टिंग सपोर्ट जोन है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि फिर देन 3750 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यानी कि फर्दर टू हंड्रेड पॉइंट का कट आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉक में तो अब सबसे बड़ी बात वही आती है कि देखिए जिन लोगों ने हायर लेवल्स पर पोजीशंस बना रखी है, वो क्या अगर आपने पर है और आपने आपने अभी तक इस स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ना आपने निकाला है तो जाहिर सी बात है कि आप अभी भी नहीं निकालेंगे तो आपके लिए तो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहां पर अपनानी आपको पड़ेगी लेकिन जो लोग नए पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा अभी आप इसके अंदर पोजिशन मत बनाइए भले ही आज इसके अंदर एक न्यूज का इंपैक्ट है और जनरली न्यूज एक दिन दिन या दो दिन ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से अभी अभी कार्रवाई चल रही है, है। उसका नहीं निकला है। हो सकता है, अगर कोई और के अंदर आए तो फिर ये के जो है, है, ये हो सकते हैं और ये वाले टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की में। तो अभी इस के अंदर कोई फर्दर नई पोजिशन नहीं बना रही है स्ट्रक्चर वीक हो रहा है और अभी आपको सिर्फ वेट करना है कि क्या कंक्लूजन उस ईडी रेड का निकल के आता है वहां से अगर कुछ कंक्लूसिव पॉजिटिव दिखाई देगा रिवर्सल के चांस दिखाई देंगे तब आप इसके अंदर बाइंग पोजीशंस बनाएंगे अदरवाइज अभी फिलहाल इसके अंदर कोई बाइंग पोजीशंस नहीं बनेगी वैसे अगर आज की कैंडल को कंसिडर ना किया जाए तो कैसा पॉजिटिव स्ट्रक्चर था आप देखिए एक बड़ी गिरावट के बाद में इस स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन यहां पर कर लिया था वही लेवल थ्री नाइन के एंड धीरे धीरे कंसोलिडेट जरूर हो रहा था लेकिन ऊपर की तरफ उठता जा रहा था देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर की तरफ निकलता जा रहा था स्टॉक एंड अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने ऑलरेडी टच कर दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो हमारे लिए अगले टारगेट से 100 डे हो सकते थे जो मैं लेवल के हिसाब से अगर आपको बताना चाहूं तो देखिए लेवल्स के हिसाब से हमारे पास में आ रहे हैं फोर फाइव सेवन एट के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते थे फोर फाइव सेवन एट के क्योंकि लोगों को इंतजार था बहुत जो लॉस में बैठे हैं वो बाउंस बैक की इंतजार कर रहे हैं कि कब इसके अंदर बाउंस आए तो ये हंड्रेड डे मा तक जाने की पूरी उम्मीद थी इस बार स्टॉक की जिस तरीके से मोमेंटम क्रिएटेड था बट उस एक न्यूज ने पूरा का पूरा मोमेंटम वाइप आउट कर दिया एंड वापस से उन्हीं लेवल्स पर यह आके खड़ा हो गया है जो एक्चुअली में फेब्रवरी लास्ट में हुआ करते थे यानी कि फेबर लास्ट में जब यूक्रेन रशिया का वॉर का इश्यू हुआ तो वहां पर इसने क्रैकडाउन

तक जारी रह सकता है तो थोड़ा सा संभल के पोजीशंस बनाइए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एंड कोई भी फर्दर डेवलपमेंट होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर इस पूरे न्यूज़ को लेके तो मैं डेफिनेटली आप लोग के सामने वीडियोस के जरिए लेके आऊंगा एंड हम लोग रिव्यू करने की कोशिश करेंगे वापस से स्टॉक को आई होप सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे और न्यूज भी मैंने आपको बताई है क्यों इतना बड़ा क्रैक देखने को मिला है तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इसे ठीक पहले दो और वीडियो में डाल चुका हूं एक है एसडीएफसी लिमिटेड के ऊपर जिसके रिजल्ट आए हैं आज बेसिकली और दूसरी वीडियो है टाटा केमिकल्स के ऊपर जहां पर ग्यारह की तेजी आज, आज आपको देखने को मिली तो वो वीडियोज भी जाकर आप चैनल पर चेक कर सकते हैं मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में टिल टेल थैंक यू बाई